दोस्तों वुमेन्स प्रीमियर लीग में आज का मैच यहां पे दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात जायंट्स के बीच में खेला गया, जहां पे गुजरात की टीम ने यहां पे पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ और सिर्फ 104 रन बनाए थे। वही जवाब में जब दिल्ली की टीम उतरी तो शेफाली वर्मा ने यहां बहुत ही बुरी तरीके से यहां पे धो डाला पूरी गुजरात जायंट्स को और कुल मिला के 28 गेंदों पे ही 76 रनों की 250 से भी ऊपर के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। और यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि अगर थोड़ी और स्कोर होती तो शेफाली वर्मा आज के ही इस मैच में यहाँ पे अपना शतक पूरा कर लेती और सबसे तेज शतक यहाँ बना डालती शेफाली वर्मा, क्योंकि उन्होंने बहुत ही तूफानी अंदाज में यहाँ बल्लेबाजी की, जिनमें उन्होंने यहाँ पे 7 छक्के अपनी इनिंग्स में लगाए और बहुत ही खूबसूरत अंदाज के इन्होंने शॉट्स खेले। और कुल मिला के पूरी यहाँ की पूरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने इस लक्ष्य को सिर्फ और सिर्फ 6 ओवर में हासिल कर लिया, 106 रनों के टारगेट को चेज कर लिया दिल्ली की टीम ने, जिसमें शेफाली वर्मा ने अकेले दम पे 28 गेंदों पे 76 रन की तूफानी पारी खेल डाली। तो दोस्तों आपको कैसे लगी शेफाली वर्मा की ये बल्लेबाजी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी इसी तरह की न्यूज़ के लिए चैनल के साथ बने रहे, मैं चलता हूँ, धन्यवाद।